हाय फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया मेरे पिछले शॉर्ट को, जिसमें मैंने रैपिड फायर में क्वेश्चंस आंसर करे थे। और ये वो सवाल थे जो मैंने कमेंट से चुने थे, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस थे बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। तो उस पॉजिटिव रिस्पांस को देखते हैं और उससे रिलेटेड इतने सारे कमेंट्स और सवाल आए जो बहुत जनरलाइज सवाल थे, बहुत सिंपल सवाल थे कुछ, लेकिन उनके जवाब किसी के पास नहीं है क्योंकि कोई बैकअप नहीं कर सकता उन चीज़ों को साइंस से। एक रैपिड फायर वीडियो मैं और बना रहा हूँ आज आप लोग के लिए, थोड़ी लंबी बना रहा हूँ, लास्ट तक देखिएगा इसको, क्योंकि हर थोड़े थोड़े सेकंड में सवाल और जवाब दोनों चेंज होंगे। फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, आप लोगों ने जो मुझसे सबसे कॉमन सवाल पूछे हैं मैं उनका जवाब देता रहूंगा, और कोई एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हर सवाल को एक्सप्लेन करने लगा तो सर घंटों की वीडियो बनेगी। तो बहुत सिंपल सरल तरीके से अंधा भरोसा कर सकते हैं कि जो भी बोल रहा हूँ साइंस से बैक्ड है। तो सबसे पहला और कॉमन सवाल मुझसे पूछा गया, सर हम प्रोटीन पाउडर तो ले लें, लेकिन हम कितना प्रोटीन, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है डेली की? तो सर, अगर आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो 1.5 to 2 grams, यानी कि 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट। अगर किसी का वजन 60 किलो है तो उसकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट 120 ग्राम होगी। अगला सवाल मुझसे पूछा गया कि सर वे प्रोटीन या पी प्रोटीन कौन सा बेटर है? तो पी प्रोटीन बेसिकली कुछ नहीं है सर, मटर से बना हुआ वेजिटेरियन प्रोटीन है। वो उन लोग को दिया जाता है जिनको लैक्टोज सेंसिटिविटी होती है, जिनको वे हजम नहीं होता। तो आप सर, एक चीज होती है एमिनो एसिड प्रोफाइल करके, प्रोटीन सारे एक समान नहीं होते, कुछ प्रोटीन्स की एमिनो एसिड प्रोफाइल जो है जल्दी डाइजेस्ट करती है, जल्दी मसल में लगती है, कुछ की धीरे लगती है। तो वे प्रोटीन जो है उसकी परफेक्ट एमिनो एसिड प्रोफाइल है फॉर मसल बिल्डिंग, देन डेफिनेटली डेफिनेटली वे इज मच सुपीरियर, वे बहुत बेहतर है पी प्रोटीन से। वो सिर्फ उनके लिए है जिनको IBS है या ऐसी कोई दिक्कत है जिसमें वो वे प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे, नहीं ले सकते, तो उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव है। अगला सवाल आता है, सर हफ्ते में कितने दिन जिम जाए? ये आपके गोल पे और आपके टाइम पे दोनों पे डिपेंड करता है। यूजुअली मैं क्या फॉलो करता हूँ, बल्किंग के टाइम पे 3 से 4 दिन जिम जाता हूँ, बाकी 3 दिन रेस्ट करता हूँ, और कटिंग के टाइम पे 5 से 6 दिन तक, या लीन गेनिंग के टाइम भी 5 से 6 दिन तक मैं जिम जाता हूँ। एक बहुत ही बड़ा सवाल जो सब पूछते हैं, सर इस कंपाउंड के बाद क्या PCT की जरूरत है, उसके बाद PCT की जरूरत है, हर अलग अलग कंपाउंड की वीडियो के नीचे सेम सवाल कहीं नहीं तो 3-4 हजार बार मुझसे पूछा गया है। तो सर आज जवाब सुन लीजिए, कोई भी एनाबॉलिक कंपाउंड अगर चला है, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो टेस्ट है, वो डेका है, वो एनावार है, वो एनाड्रोल है, वो डीबॉल है, कुछ भी है, उसकी PCT प्रॉपर साइकिल के बाद होती ही होती है। कोई ऐसा एक्सेप्शनल कंपाउंड बहुत रेयर होगा, और वो भी मैंने मेंशन कर रखा है प्रोविरोनम टाइप, कि उसमें PCT की जरूरत नहीं है। बाकी हर एनाबॉलिक में यूजुअली यूजुअली रूल ऑफ थंब रहता है PCT की जरूरत होती है। और अगर आपको कोई कह रहा है कि नहीं है तो छोटी सी चीज है, ये कमजोर एनाबॉलिक है, ये है, इसके साथ PCT नहीं चाहिए, तो उसको या तो पूरी नॉलेज नहीं है या वो किसी चीज की दुश्मनी निकाल रहा है आपसे। अगला सवाल पूछा था, सर मेरे को एक हफ्ते की छुट्टी पे जाना है, मेरी कमर में चोट लग गई, मैं एक हफ्ते के लिए जिम नहीं जा सकता, क्या उससे मेरा शरीर गिर जाएगा? जवाब है नहीं, आपकी मसल्स ढीली पड़ जाएंगी, फ्लैसिड पड़ जाएंगी, आप एक दिन जिम जाएंगे वो वापस वैसी की वैसी हो जाएंगी, क्योंकि मसल मेमोरी एंड मायोन्यूक्लियाई करके कुछ चीजें होती हैं मसल फाइबर्स में जो रिटेन करती हैं इन चीजों को। बट हाँ, एक हफ्ते से ज्यादा अगर आप जिम छोड़ते हैं, धीरे धीरे फिर चेंजेस आने लगते हैं, जिनको रिकवर करने में टाइम थोड़ा और। एक सवाल जो मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल मेरे से बहुत पूछते हैं, एंड एज अ डॉक्टर एज अ सर्जन मेरे को खुद भी इसमें बहुत दिक्कत होती है फॉलो करने में इस एडवाइस को अपनी, लेकिन मैं आप लोग को ये जरूर दे सकता हूँ, ये है कि दिन में कितनी स्लीप चाहिए होती है, नींद की कितनी जरूरत है। सर 6 से 8 घंटे मिनिमम नींद सबको चाहिए, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं 8 घंटे आपके लिए जरूरी है, ताकि आप प्रॉपर रिकवरी आपकी मसल की हो पाए। जो हमारे रेम नॉन रेम फेजेस होते हैं स्लीप के, उसी में मसल प्रॉपरली रिलैक्स होती है और रिकवर कर पाती है। साथ ही साथ ग्रोथ हार्मोन का जो स्पर्ट आता है वो इसी 6 से 8 घंटे की नींद में आता है। तो वही मसल रिपेयर, मसल ग्रोथ में नेचुरल ग्रोथ हार्मोन जो आपका सिक्रीट हो रहा है वो बहुत मदद करता है, इसलिए नींद बहुत जरूरी है सर। खाली एक्सरसाइज से कई बार बॉडी कैटाबॉलिज्म में चली जाती है, यानी कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और सो नहीं रहे, तो इंस्टेड ऑफ गेनिंग आपको लगेगा कि आपका वजन और कम हो रहा है। वेट लॉस के लिए सबसे सेफेस्ट ड्रग क्या है, सबसे सेफेस्ट फैट बर्नर क्या है? सर ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन एंड ओपिनियन टू ओपिनियन। मेडिकली स्पीकिंग मेरे ओपिनियन में कार्निटिन और CLA जो हैं दोनों सबसे सेफेस्ट फैट बर्नर्स हैं,
एंड दोनों का रिजल्ट डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है सीएलए से रिजल्ट नहीं आ रहा, कार्निटिन से नहीं आ रहा। सर आप मेरी कार्निटिन वाली वीडियो देखिए, आप मेरी सीएलए वाली वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। उसको लेने का तरीका और टाइमिंग सही होनी चाहिए बस। उसके बाद एक सवाल जिससे मैं एक्चुअली ऑनेस्टली बहुत थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे हर बंदा ये पूछ रहा है कि सर मैंने आज जिम ज्वाइन किया है, मैंने एक हफ्ते पहले जिम ज्वाइन किया है, मेरे ट्रेनर ने मुझे ये प्रोटीन, ये बीसीडब्ल्यू, ये क्रिएटिन दिया है, क्या मैं इसमें से ये सारी चीजें ले लूं? तो एक बहुत सिंपल सीधा फॉर्मूला बताऊंगा सर, मेरे जो पोस्टुलेट्स है, मेरी अपनी ये फॉलोइंग है, ये क्या है कि आप पहले 3 महीने में सर आप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल एक्सरसाइज और डाइट करेंगे। 3 से 6 महीने में आप सोच सकते हैं प्रोटीन के बाद, 6 महीने के 3 से 6 महीने के बाद आप प्रोटीन के बारे में सोच सकते हैं। आप गोल ओरिएंटेड प्रोटीन लेंगे सिर्फ, कि आपका गोल क्या है उस हिसाब से प्रोटीन कौन सा लेना है, और कोई सप्लीमेंट मेरे हिसाब से पहले 6 से 8 महीने में आपको जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद अगर हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जाते हैं, एक प्लेटू हो जाता है हमारी बॉडी का कि अब हाँ प्रोटीन से ज्यादा नहीं बढ़ रही है। जब आपको लग रहा है कि आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, पूरा प्रोटीन और डाइट ले रहे हैं, उसके बाद भी नहीं बढ़ रही है, तो आप क्रिएटिन स्टार्ट करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप बीसीडब्ल्यू स्टार्ट करें। ये सब साल भर की एक्सरसाइज के बाद होता है। इमीडिएटली जिम में घुसते ही प्रोटीन लेना, इमीडिएटली घुसते ही इतने सप्लीमेंट लेने से ऑब्वियसली फायदा आपको जरूर होगा, लेकिन जो आपकी जेनेटिक पीक, जो नेचुरल कैपेसिटी थी, अगर बिना प्रोटीन और सप्लीमेंट के आपकी मसल यहां तक बन सकती थी और सप्लीमेंट के साथ यहां तक, तो आप ये सोचिए कि अगर आप पहले ही सप्लीमेंट ले लेके अपनी बॉडी यहीं पहुंचाएंगे तो यहां तक कैसे पहुंचेगी? फिर आप बोलेंगे सर मुझे स्टीरॉइड्स दे दीजिए। इसी वजह से, क्विक रिजल्ट्स की वजह से आजकल हम बहुत परेशान। प्रोटीन लेने का बेस्ट तरीका क्या है सर? पहला और फोरमोस्ट जो है, प्रोटीन का डाइजेशन मेरे हिसाब से जरूरी होता है, और दूसरा एनाबॉलिक विंडो का कॉन्सेप्ट। कई लोग नहीं मानते, कई लोग मानते हैं, मैं मानता हूं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर आप आधा स्कूप प्रोटीन जरूर लें, और उसके बाद 4 से 6 घंटे के गैप के बाद आप बचा हुआ आधा स्कूप ले लें। इससे आपने एक्सरसाइज के इमीडिएट बाद जो आपकी मसल टूटी उसको आपने प्रोटीन सप्लाई भी दे दी, और साथ ही साथ आपने उसको डिवाइडेड डोजेज में लिया, तो आपका डाइजेशन भी बेटर है, आपका हाजमा बेटर है, जो प्रोटीज एंजाइम है वो प्रॉपरली प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाता है। अब बहुत लोग मुझसे एक डाइट प्लान मांगते हैं, तो सर सामने आपकी स्क्रीन पे वेजिटेरियन एक डाइट प्लान बनाया मैंने, ये आपके लिए है। ये वेट गेन के लिए प्लान है, ये वेट लॉस के लिए प्लान है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको और डाइट प्लान्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम या मेरे फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोनों जगह मैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ क्या क्या डाइट प्लान्स हैं, क्या क्या एक्सरसाइजेस करी जा सकती हैं, और प्रोडक्ट्स की कुछ रिव्यूज भी। क्या आप सर्जरी के बिना हाइट बढ़ा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है सर। 18 साल से 20 साल की उम्र तक ग्रोथ प्लेट्स जो होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रोथ के लिए हड्डियों की, वो क्लोज हो जाती हैं। उसके बाद हमारी ग्रोथ हाइट में नहीं होती, उसके बाद हमारी ग्रोथ विड्थ में होती है। तो 18 से 20 साल के बाद जब आपकी ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो चुकी हैं, उसके बाद मेरी नॉलेज में और मेडिकल साइंस में कोई तरीका नहीं है बिना सर्जरी के आपकी हाइट बढ़ाने का। कौन सा स्टीरॉयड ऐसा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? इसका एक सिंपल 2 अल्फाबेट का जवाब है, नो। कोई स्टीरॉयड नहीं है ऐसा जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। जिम के बाद होने वाले दर्द को और जिम के बाद होने वाली स्टिफनेस को, लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन को कैसे टैकल किया जाए, जिसको हम अंग्रेजी में डॉम्स यानी डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस भी बोलते हैं, उसका एक सिंपल सा इलाज है सर। जिम के बाद एक वार्म शावर ले लीजिए, 10 से 15 मिनट का एक शावर जो थोड़ा लूक वार्म वाटर के साथ हो, वो सारी मसल्स को रिलैक्स कर देता है और लैक्टिक एसिड डिसिपेशन में भी हेल्प करता है। एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा सर, बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है? एंड आई थिंक आंसर आपको सरप्राइज करेगा, मुझे सवाल अच्छा लगा इसलिए मैंने वीडियो में इंक्लूड करा। आपकी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है आपकी जॉ मसल, मैसेटर। अगला सवाल जो पूछा गया सर, मेरे को डॉक्टर ने बोला है वे प्रोटीन नहीं लेना, मेरा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। मुझे डॉक्टर ने बोला है कि चिकन नहीं खाना, मीट नहीं खाना, राजमा नहीं खाने, मेरा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो एक पुरानी धारणा थी कि प्रोटीन, हाई प्रोटीन फूड लेने से जो है यूरिक एसिड बढ़ता है। तो अगर आप किसी पुराने समय के डॉक्टर के पास जाएंगे, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो गलत हैं, वो सही हैं, वो अपनी जगह सही हैं। साइंस थोड़ी आगे बढ़ गई है तो हमने एक डिफ्रेंसिएशन बना ली है कि प्यूरिन रिच फूड्स जो हैं वो यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, और प्रोटीन रिच फूड्स ज़रूरी नहीं है कि वो यूरिक एसिड बढ़ाए। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, जो फूड्स प्रोटीन में यूजुअली हाई होते हैं वो प्यूरिन में भी हाई होते हैं, और वो बाद में यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। तो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना बहुत आसान है कि सर आप अपनी डाइट में प्रोटीन कम कर लीजिए तो आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप किसी आज के टाइम के थोड़े यंग डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो रिसेंट रिसर्च कोट करके दिखाएगा कि सर दो अलग अलग फूड ग्रुप्स हैं, कि ये प्रोटीन और प्यूरिन दोनों में हाई है, और ये फूड ग्रुप है जो खाली प्रोटीन में हाई है, ये प्यूरिन रिच नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या उसको गठिया है तो वो बॉडी बिल्डिंग करके प्रोटीन नहीं ले सकता,
उसको सिलेक्टिव प्रोटीन लेना पड़ेगा। फिश, सी फूड, रेड मीट, बेकन, ये सारी चीजें होती हैं हाई प्रोटीन और हाई प्यूरीन, राजमा, पल्सेस, ये सारी चीजें जो एक्चुअली यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। कुछ हाई प्रोटीन सब्सटेंसेस जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हो गए, मिल्क हो गया, वे प्रोटीन हो गया, सर वे प्रोटीन अगर आप आइसोलेट ले रहे हैं उससे यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है। अंडे अगर मॉडरेशन में खाए जाएं तो उससे भी प्यूरीन का लेवल इतना नहीं बढ़ता। 3 से 4 अंडों से सिर्फ आपका प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा लेकिन प्यूरीन इंटेक उतना नहीं बढ़ेगा कि वो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा सके। और वे प्रोटीन से जो आपको कह रहा है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, सर आई थिंक उनको थोड़ा अपडेट होने की जरूरत है और नई किताबें खरीदनी। आई होप मैंने आपके काफी इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब दे दिए हूं। अगर आपको ये वीडियो का फॉर्मेट पसंद आया है तो सर प्लीज प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट्स में अगली वीडियो के लिए सवाल बताएं। आपके दिमाग में जो भी सवाल है अब मैं इस तरीके से कई वीडियोस बीच में सोच रहा हूं डालूंगा और आंसर करूंगा ताकि फटाफट आपको सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में कॉम्पैक्टली मिल जाए। ओवर द इयर्स मैंने 100 से ऊपर वीडियोस डाली हैं, सारी रिसर्च बेस्ड डाली हैं, सारी एज अ डॉक्टर एज अ फिजिशियन डाली हैं और जो मैंने अपना 1,10,000 से भी ऊपर का सब्सक्राइबर बेस इकट्ठा किया है, मेरा परिवार है, मुझ पर भरोसा करता है, तो आई थिंक इट्स टाइम कि अब मुझे हर चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर मैं जल्दी जल्दी कुछ सवालों के जवाब दे सकता हूँ, लोगों की मदद कर सकता हूँ, तो आई थिंक वो हम सबके हित में होगा। तो ऑब्वियसली नए टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हैं उन पे मैं डिटेल्ड वीडियोस बनाता रहूंगा और जो चीज़ें पहले भी कर दी गई हैं, बार बार पूछी जा रही हैं, उनको मैं इस तरीके से रैपिड फायर में जवाब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।